मूली के पत्तों की सब्जी। पुरानी पाइपलाइन है उसके लिए बहुत घमासान हो रहा है आजकल, गांव में खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं। चूजे देखो कितने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए हैं और इनके ना पंख भी आ गए। और देखो दोस्तों, गांव की महिलाओं का जीवन इतना टफ होता है ना, सुबह 4-5 बजे से ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखो पानी सार रहे हैं। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बिल्कुल सही हैं। तो अभी हमारे पति देव ब्लॉगर साहब सो रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और काम अभी मेरा बहुत सारा पड़ा हुआ है, पूरा झाड़ू वगैरह लगाना है। ऊपर कमरे में मैं लगा के आई हूँ, किचन मैंने अभी साफ़ करना है और बर्तन धोने हैं, और उसके साथ साथ ही बाहर भी देखो मैंने कितना यहाँ पे अच्छे से लीपा था। ये अभी पूरा ना यहाँ से ऊपर से पानी आता है तो पूरा यहाँ गड्ढा कर दिया इसने, इतना पानी। तो ये यहाँ पे पूरा देखो कैसा हो गया, कैसा बनाया था मैंने, कैसा हो गया, ठीक है। और यहाँ नीचे हमारी लाली है। लाली, ए लाली, 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 लाली देख ही नहीं रही अभी, ऊपर देख नहीं रही। ए लाली, ए अब देखेगी, अब देख रही है, देखो लाली। और आज फिर से ना धूप हो गई है, कल मौसम बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा था और लोग खेतों में काम भी बहुत इजीली कर पा रहे थे, क्योंकि धूप नहीं होती तो फिर लोग खेतों में काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और धूप में यार फिर बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो आज फिर से धूप आ गई, वैसे बादल तो लगे हुए हैं, क्या पता बारिश हो जाए। और ये देखो कल मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, कल मैं गई थी पंधेरे में और वहाँ इतनी भीड़ थी यार, मतलब वो नंबर ही नहीं आ रहा था कपड़े धोने के लिए। 3-4 लोग पहले से ऑलरेडी आए हुए थे, फिर भी मैंने कैसे कैसे करके, ताई आई थी मेरे साथ तो ताई ने बोला कि इसको करने दो, तो मतलब मेरे को मिल गया थोड़ा, मैं जल्दी आ गई करके। तो भाई अब मैं कर रही हूँ, ये मैंने अपने बर्तन वर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे, और अभी किचन मैंने पूरा साफ़ करना है। थोड़ा सा किचन में गंदा हो रहा है, आज मैं पूरा किचन अच्छे से साफ़ करूँगी, तो मैं ये सब कुछ करती हूँ। तो जी किचन को साफ़ करने के साथ साथ जो हमारा बगल वाला रूम है वो भी बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना मिट्टी गिरती रहती है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये ना ऊपर है तो यहाँ से मिट्टी गिरती है, क्योंकि ये जो है ना बहुत कमज़ोर हो चुका है अभी, है ना, तो पुराना हो गया, तो ये यहाँ से मिट्टी गिर रही है तो पूरा ये यहाँ पे गंदा हो जाता है। तो यहाँ देखो इतनी सारी मिट्टी हो रही है, यहाँ हम पानी वानी रखते हैं अपना बर्तन वर्तन के लिए जो भी है, और अगर वहाँ के बदले यहाँ हमारा किचन होता ना तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये स्पेस भी ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर मतलब खुला खुला सा है, उधर किचन थोड़ा छोटा है, है ना। तो यहाँ पर अगर आने वाले टाइम में अगर हम बना पाए तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा किचन बनेगा अगर हम यहाँ बनाना चाहें तो, ये बेस्ट है और मेरे को अच्छा भी लगता है। ये थोड़ा ठंडा भी है, नीचे वाले रूम ठंडे ही होते हैं। बाकी एक रूम हमारा इसके अंदर है, और पर ये स्टोर रूम की तरह हम इसे यूज़ करते हैं ना, क्योंकि अभी सामान वामान जो भी है इसके अंदर ही रहता है, तो ये उसकी तरह हम यूज़ करते हैं। बाकी अभी चलो किचन साफ करती हूँ मैं। तो जी अभी साफ़ सफाई कर ली है मैंने, अब है मेरी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि नाश्ता भी बनाना है, और आज मैं सोच रही हूँ कि भिंडी बनाऊँ, थोड़ा भिंडी बचे हुए थे यहाँ पे और वो ख़राब भी हो रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि वो बना लेती हूँ, है ना। ज़्यादा दिन तक सब्जी रखे रखे फिर ख़राब हो जाती है, तो देखना पड़ता है कि कौन सी सब्जी कब जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो उससे पहले बना लो, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि भिंडी बना लूँ, क्योंकि 2 दिन से कल हमने मैगी खाई थी, उससे पहले दिन हमने पोहा खाया था, क्योंकि कल हमें जल्दी हो रही थी खेत में जाने की, और परसों इन्होंने बोला था पोहा बना, तो सब्जी वो ऐसी रखी हुई थी, तो मैं सोच रही थी नाश्ते में आज भिंडी बना लूँ मैं। नाश्ता बन गया था, और पहली रोटी ना हमेशा हमारी लाली के लिए रहती है, पहली रोटी हमारी लाली के लिए, हमेशा हम लाली को ही पहली रोटी खिलाते हैं। ये देखो हमारी गाय माता, लाली माता, बाय। इसका नाम है सनी, सनी इसका मुंह मुझे लग रहा है चूहे ने कतर दिया, देखो ए क्या कर रहा है, ओए मार रहा है, ये मारने के लिए आ रहा है। तो दोस्तों सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी मैं उठा हूँ, और क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट से लेट उठा, बाकी पियो ने तब तक उठ के नाश्ता वगैरह बना दिया, साफ सफाई कर दिया, अब चलते हैं नाश्ता करते हैं। अभी मुझे ना आज सोच रहा हूँ मूली के पत्ते खाऊँ, यहाँ से तोड़ते हैं बढ़िया बढ़िया मूली के पत्ते मोनिका भाभी के खेत से, देखो यहाँ लगे हुए हैं, और ताई तो पानी ले आई सुबह से भेड़ पंदेरा में। अच्छा ठीक ठीक, तो चलो तोड़ते हैं।
तो गांव की यही खूबसूरती है। देखो आप सुबह उठो, खेतों में जाओ, फ्रेश फ्रेश हरी सब्जी तोड़ो, खाओ, पकाओ, मस्त थोड़ते हैं ऐसे सब्जी। तो यहाँ पे हमारी तैयार हो रही है हरी सब्जी, ये देखो जी मूली के पत्तों की सब्जी। अब वो क्या कड़ी बनाने के लिए रख दिए तीन पत्ते, वो मैंने उबाल के खाने के लिए रखे। भगवान भैंसी हो कसम से आप सच्ची में। तो ये क्या करते हैं, उनको उबालेंगे, बस उबाल के खा जाएंगे। खतरनाक है मेरी बीवी कसम से, कहाँ कहाँ से सीखते हैं। और ये देखो हमने भिंडी भी बनाई है नाश्ते में, सुबह से इतना काम किया। मूली के पत्ते खाने का मन कर रहा है, मूली के पत्ते बनाऊं। और चटाक धूप लगी है बाहर, देख रहे हो आप। कल तो हमने सादे, कल आराम से मतलब छैल था, और आज देखो बुरी हालत है। बट देखो धीरे धीरे वहां से बादल आ रहे हैं, ये देखो ये काले बादल आ रहे हैं, तो बारिश होने की पूरी आसार है। तो दोस्तों ये देखो हमारी थाली सज के तैयार है, देख रहे हो आप ग्रीन थाली। तो चलो करते हैं नाश्ता। ग्रीन थाली नहीं, हरी भरी थाली। हाँ वही तो, ग्रीन थाली। चलो जी, दिन के बजने वाले हैं एक, और अभी हो गया है दिन के लंच बनाने का टाइम। टाइम कैसे जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। अभी सुबह हमने नाश्ता किया था, अभी भी दिन में खाना बनाने का टाइम हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। ठीक है, पहले मैंने ताऊजी से पूछा कि मट्ठा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं है। पहले मैं सोच रही थी कढ़ी बनाऊं, बट अब मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, सोचा फिर सोचा कि पुलाव बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिए हैं अपने जो भी वेजिटेबल्स हैं, और बाकी अब मैं बनाती हूँ। पुलाव तो मैंने रख दिया है पकने के लिए, अभी मैं कुछ और काम देखती हूँ, क्योंकि अभी पानी भी नहीं है घर पे, तो पानी का देखती हूँ। ये तो सोई है, यहाँ पे गाय आई है, और ये ना देखो ये खा रही है, क्या बोलते हैं बिच्छू घास। वहाँ पर इसको तो लग भी नहीं, हट जा, मारने तो नहीं आई। अभी आ गई खेत से काम करके, और यहाँ पे गाय आई है, और ये दो डब्बे अभी भर के लेके आई थी मैं पानी का। और अभी फ़िलहाल ये मैंने, क्योंकि ये पानी भी थोड़ा गंदा आ रहा है ना, तो ये सिर्फ बर्तन धोने के और वॉशरूम के लिए यूज़ करने के लिए ठीक है। तो अभी मेरा खाना यहाँ बन रहा है, यहाँ पे मैं रख के गई थी अपना खाना बनाने के लिए, और मैं चली गई थी पानी भरने, तो दीदी ने बोला था कि उनके नल पे आ रहे, तो दो डब्बे पानी वहाँ से ले आई हूँ, और बाकी अभी भरूंगी। और पीने के लिए हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत है पानी, अभी लेने जाएंगे, क्योंकि ये भी सोए हुए हैं, तो साथ जाते हैं फिर। तो दोस्तों अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं, और आज पता नहीं कितनी नींद आ रही है मुझे, मैं फिर से सो गया था, इन्होंने पता ही नहीं लगा कब इन्होंने खाना खुना बना लिया, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो रखा था ना, रजाई लेकर सो गया था मैं, और अब उठ रहा हूँ मैं। और आज सारा ब्लॉग इन्होंने ही बनाया, तो इन्होंने पुलाव बनाए मेरे लिए, देखो गर्मा गर्म पुलाव, खुशबू तो अच्छी आ रही। और दिखाता हूँ अपने क्या बना रहे थे, मैं सुबह नहीं बताया था, ये देखो पत्ते उबालने रख दिए मूली के। जैसे किसने सिखाया आपने? मेरे भाई ने। अच्छा, अरे वो तो फौजी है, कुछ भी खाएंगे। तो मैं फौजी की बहन हूँ, मैं भी खाऊंगी जो मेरे भाई खाएगा। आप तो भैंस हो फिर। आपके और दोस्तों हमारा आम का बंटवारा कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। एक आम काटते हैं ना, दोनों साइड के मेरे होते हैं और हड्डी इनकी होती है, उसमें हड्डी में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये मेरी होती है। क्या आप बात करो, हड्डी के लिए वहाँ पता लड़ाइयाँ हो जाती थी, इसमें हड्डी में खाली लड़ाई होती थी, होता इसमें ही है। तो ये खा लो, तो ऐसा बंटवारा होता है हमारा आपका। चलो चलो करते हैं लंच। खाना खुना खा लिया हमने, और आज मौसम ऐसा हो रहा कि कभी धूप कभी छाव, और उधर हमारे यहाँ ट्रैक्टर से ना, वो छोटे मिनी ट्रैक्टर नहीं होते जो, उससे भी हल लगता, देखो वो देखो वहाँ पे लगा रहे मिनी ट्रैक्टर से, धीरे धीरे करके हरा 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 हो रहा है। क्या बोल रहे हो? पानी को बंटा खाली करके रखा है, इसे भर के लाना। ठीक है मैडम, और कुछ? ये दो तो मैं लेके आई हूँ अभी, ये बगल वाले घर से। तो बगल वाला घर नहीं है, उतना ही दूर है वो भी। ठीक है ठीक है। तो चलो दोस्तों अब मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, ऑफिस का काम करते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और अभी मेरा टाइम है पानी लाने का, क्योंकि आज सुबह मैं ला नहीं पाया, सो रखा था ना मैं, तो अभी पीने का पानी ख़त्म हो गया है, बाकी थोड़ा बहुत पानी तो है ही, तो पीने का पानी ले आते तो पीहू दूसरे मोनिका भाभी के घर की है, और मैं पानी लेने जा रहा हूँ। और
आजकल हमारे पंद्रह में काफ़ी पानी, क्योंकि बरसात भी हो गई है तो पानी का लेवल है जो वो भी काफ़ी बढ़ गया है, तो अब ईजिली पानी मिल जाता है। तो दोस्तों ले आए मैं पानी। आजकल हमारा पंद्रह बिल्कुल खाली है, तो आजकल जो दोनों नल है, पाइप वाला भी और दूसरा नल भी, वो खुला है और जितना पानी ले सको उतना ही। अब क्योंकि बस क्या लग गया, अब पानी की कोई कमी नहीं है, बस दो चार दिन ही थी गर्मियों में और उस समय इतनी मारा मारी थी। अब तो कपड़े धोना भी और नहाना भी सब ओपन हो गया, जा सकते आराम से, कोई नहीं। बस ये पाइप लाइन का, ये पाइप लाइन में पानी नहीं आ रहा, जो पुरानी पाइप लाइन है उसके लिए बहुत घमासान हो रहा आजकल गाँव में, खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्या करें, इतनी बार बोल दिया, अब देखो क्या होता है। यहाँ पे लाली के लिए मैं कल चुने जाता था, जो भी सब्जी सब्जी होती है, खाना बच जाता ना तो इसको दे देते हम। और हमारे चूजे देखो कितने बड़े हो गए, ताऊ यहाँ सफाई करने में लगे इसकी, देखो ये रे कितने बड़े हो गए, ये देखो दौड़ के कुर 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 कुर, ये देखो कितने बड़े हो गए ये। और इनके ना पंख भी आ गए, जब मैं लाए थे ना पंख वगैरह नहीं थे ना, और दोनों काफ़ी एक्टिव हो गए अभी देखो। अब तो ढूंढ ढूंढ के निकालते कीड़े और खाते थे, पैर भी चलाने लग गए, चुन्नू मुन्नू ना इनका। तो दोस्तों यहाँ देखो पानी सार रहे हैं, अब फोन देखो कहाँ लगा रखा, फोन गिरेगा ना। क्या करूँ, दोनों हाथ में तो ये था। हाँ ठीक 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 ठीक, वो एक देखो हमारे एक पीपे तो चुभ ही रहे हो, देखो बस पानी धार निकल रही है। तो दोस्तों अभी हम बैठे थे और कल से मेरी जो है डे शिफ्ट शुरू हो जाएगी, तो दिन की ड्यूटी लग जाएगी। तो मैं इनको शाम को बोला, शाम को हम रोज शाम को ब्रेक हो जाएगा, एक घंटा घूमने जाएंगे शहर घर में, है ना। और देखो दोस्तों गांव की महिलाओं का जीवन इतना टफ होता है ना, सुबह 4-5 बजे से ना शुरू हो जाता है और रात के मतलब जब तक सूरज ढलता नहीं तब तक लगे रहते हैं। और देखें ताई, देख लो ताई जवान ही बैठी रहती है, कुछ ना कुछ करे, सुबह चली जाएगी फिर आएगी करेगी खाना बनाएगी, फिर खेतों में फिर सगोड़ों में, है ना, एक मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। यही है देखो पहाड़ की महिलाओं का जीवन ऐसे। और ये कह रहे हैं जो रोड पे घूमने जाते हैं वो कौन है, मैं कहा वो सासे है, बारी काम कर रहे तो सासे रोड पे शाम को बुजुर्ग लोग वो घूमने जा रहे हैं। तो हमारी ताई भी तो सास है, तो उनके बहुत देश रहती है ना, तो ताई का बच्चे। और ताई कहती है कि जब तक मैं मतलब हाथ पाँव चल रहा ना अच्छा रहता है, मैं अगर घर में बैठ लूँगी फिर मतलब बीमारियाँ पकड़ लेती है मुझे, तो स्वस्थ रहते हैं चल फिर के, तो आदत बन रखी है उनको, बैठे उनको अच्छा भी लगता है। और हमारी सब्जियां भी ख़त्म हो गई है और मार्केट जाने का टाइम भी नहीं हो रहा है, आज शिमला मिर्च पड़े हैं। शिमला मिर्च आलू प्याज भी ख़त्म होने को है। हाँ कल जाएंगे, देखते हैं कल या परसों फिर सब्जी लेके आएंगे। अब हफ्ते हफ्ते में हमें सब्जी चाहिए भैया। यही तो सिर्फ पत्ते तोड़ के खाने पड़ेंगे। अरे पत्ते भूल गए। दोस्तों अभी रात के 9 बज रहे हैं और हमारा डिनर टाइम हो गया है, और डिनर में बना है आज शिमला मिर्च आलू बने आज डिनर में, देखो शिमला मिर्च आलू संग दूध। और आज हमारे आम खत्म हो गए, तो आम कल लेके आएंगे हम। सब्जी भी खत्म हो गई, कल जाएंगे मार्केट तो कल लेके आएंगे हम आम वगैरह। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को भी ये देखते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक जय देवभूमि, जय भारत, जय द इंडियन, बाय।